आप सबका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट मेथड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं? देखिए, आपको यहां पे फोर क्वेश्चन गिवन है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, ये सभी क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है। आपको फैक्टर मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस मेथड में क्या होता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपको इसको टू फैक्टर की फॉर्म में अरेंज करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं? देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट वैल्यू है -10 और एक्स का कोफिशिएंट है -3। तो इस -3 के 2 पार्ट करने और 2 पार्ट ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे -10 आवे और प्लस माइनस करने पे -3 आवे, 5 × 2। 5 में से 2 माइनस किया 3, 5 × 2 = 10। लेकिन 3 माइनस का है तो बड़ी वैल्यू माइनस की और छोटी वैल्यू प्लस की। तो इस 3 के 2 पार्ट हो गए -5 × 2। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अरेंजिंग पेयर टेकिंग कॉमन, इन फर्स्ट x कॉमन x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो उसमें से एक फैक्टर 0 है, दोनों 0 है। तो इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 5, x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2। तो फैक्टर मेथड से इसके सॉल्यूशन फाइंड हो गए 5 एंड -2। सेम इसी टाइप से इस क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट देखिए 2 है, कांस्टेंट वैल्यू -6, इट इज -12। x का कोएफिशिएंट 1, इस 1 के ऐसे 2 पार्ट करो कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए एंड प्लस माइनस करने पे 1 आए, 4 एंड 3, 4 × 3 = 12 एंड 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, क्योंकि 1 प्लस का है तो इसको प्लस का लेंगे और इसको क्या लेंगे माइनस का। तो इसका फैक्टर हो गया 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अरेंज इन पेयर टेकिंग कॉमन, इन फर्स्ट पेयर 2x कॉमन x प्लस 2 रिमेनिंग, इन सेकंड पेयर -3 कॉमन x प्लस 2 रिमेनिंग। तो x प्लस 2 एंड 2x - 3 = 0। इफ दिस इक्वल टू 0 आंसर इज -2, इफ दिस इक्वल टू 0 2x = 3, x = 3/2। तो आंसर हो गया -2 एंड 3/2। सेम इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट है √2, कांस्टेंट वैल्यू है 5√2, इसको इनटू करने पे आ रहा 10, √2 × √2, 2 × 5 = 10 और x का कोफिशिएंट है 7 प्लस का 7। तो आपको इस 7 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं कि प्लस करने पे तो 7 आए और इनटू करने पे 10 आए। देखिए, ये वैल्यू प्लस की है, वैल्यू प्लस की है, इसका मतलब 5 भी प्लस का रहेगा और 2 भी प्लस का रहेगा। तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। देखिए, यहां √2x² और 5x में तो x कॉमन दिख रहा है, यहां जो 2 है इस 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसके पीछे रीजन है, यहां √2 आ रहा है और यहां 2 है, इसको √2 का स्क्वायर लिखने से √2 कॉमन हो जाएगा। अरेंज इन पेयर
टेकिंग कॉमन एक्स कॉमन तो रूट टू एक्स प्लस फाइव, ये रूट टू कॉमन तो रूट टू एक्स प्लस फाइव। देखिए दोनों वेक्टर सेम हो गए तो रूट टू एक्स प्लस फाइव कॉमन, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। एक रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फाइव अपॉन रूट टू। एक एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस रूट टू। सेम इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखिए जिसमें वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है 1/8। तो आप यहां क्या करेंगे, पहले इसको एलसीएम लेकर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 8 एलसीएम आ रहा है तो ये हो गया 16x² - 8x + 1=0। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 × 0 रिजल्ट इज 0। नाउ मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, यह x का कोएफिशिएंट 8 है और x का कोएफिशिएंट 16 और ये 1 इनटू क्या, तो 16 और ये -8, तो -8 के इसे 2 पार्ट करो कि मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और प्लस माइनस करने पे -8 आए, -4 और -4 -4 बोलते 16 और ऐड करने पे -8 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया 16x² - 4x - 4x + 1=0। अरेंजिंग पेयर 4x कॉमन तो 4x - 1 - 1 कॉमन 4x - 1 तो 4x - 1 = 0। एक 4x - 1 = 0 x = 1/4। एक 4x - 1 = 0 x = 1/4। तो इसके सॉल्यूशन हो गए x = 1/4 एंड x = 1/4, बहुत आर सेम सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे टू नंबर फाइंड करो जिनका सम करने पे जो 27 रिजल्ट आए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। देखिए सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स, कि फर्स्ट नंबर एक्स के इक्वल है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 - x। दोनों नंबर का सम 27 के इक्वल है। अगर आप फर्स्ट नंबर एक्स को लेट कर रहे हैं तो 27 में से x माइनस कर दो, रिमेनिंग पार्ट सेकंड नंबर के इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट 182 के इक्वल है, तो x इनटू 27 - x = 182। 27x - x² = 182। एक साइड में ट्रांसफर करो, x² - 27x + 182 = 0 बाय फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए, प्लस माइनस करने पे 27 आए, मल्टीप्लाई करने पे 182 आए, 13 एंड 14। अरेंजिंग पेयर टेकिंग कॉमन एक्स कॉमन x - 13 - 14 - x - 13 = 0। तो देखिए यहां पे x - 13 कॉमन आ गया, x - 14 = 0। इफ x - 13 = 0 तो आंसर हो गया x = 13। इफ x - 14 = 0 तो आंसर हो गया x = 14। इसका मतलब वो टू नंबर 13 एंड 14 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फाइंड टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ उस स्क्वायर इज 365। ऐसे टू कंटिन्यू पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिनके स्क्वायर का सम 365 के इक्वल है। लेट टू कंजेक्टिव
पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स एंड एक्स प्लस वन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 365 इक्वल है। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 364 इक्वल टू जीरो। Here 2 is common, x square plus 1x minus 182 equal to 0, इस 2 को 0 में डिवाइड कर दें, तो x square plus 1x minus 182 equal to 0, इस 1 के ऐसे 2 पार्ट करो, कि प्लस माइनस करने पे 1 आंसर आए, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 182 आए, तो 1430, 1 प्लस का है, तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस की, माइनस की। अरेंज इन पेयर एक्स कॉमन एक्स प्लस 14 माइनस 13 एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर एक्स प्लस 14 सेकंड एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। देखिए इसको जीरो पुट करते हैं तो यहां से x इक्वल टू माइनस 14 आंसर आता है, इसको जीरो पुट करने पे x इक्वल टू 13 आंसर आता है। और आपको जो नंबर फाइंड करने हैं दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब माइनस 14 क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 13 तो नेक्स्ट जो इंटीजर नंबर वो x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 14, इसका मतलब टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर 13 और 14 है जिनके स्क्वायर का सम 365 के इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस। तो अगर अपन बेस को एक्सलेट करें, लेट बेस इज x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन है 13, इट इज राइट ट्रायंगल, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस हो गया आपके पास x, परपेंडिकुलर x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज 13, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, 2 कॉमन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, 2 जीरो में डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा। यहां से इसकी स्प्लिटिंग करने में इसके टू फैक्टर बन रहे हैं एक्स माइनस 12 एंड एक्स प्लस 5, और इसको जीरो पुट करने पे एक्स इक्वल टू 12 और इसको जीरो पुट करने पे एक्स इक्वल टू माइनस 5, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए अब बेस आपके 12 आ गया, तो 12 यहां रखेंगे तो 12 माइनस 7 परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5, तो आपका आंसर क्या हुआ, बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ए कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द चॉइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ आर्टिकल बन रहे हैं, लेट कर रहे थे
लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज वाई. नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है एंड उनकी कॉस्ट प्राइस वाई है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वाई वो नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से थ्री मोर है, या नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स उसका ट्वाइस टू एक्स उससे थ्री मोर प्लस थ्री. y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री. और साथ में यह देखा कि टोटल जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो 90 है. एक आर्टिकल y रुपीज का है तो x आर्टिकल x इंटू वाई, तो टोटल कॉस्ट हो गई x इंटू वाई इक्वल टू 90. इक्वेशन प्लस से y की वैल्यू पुट कर दे 2x प्लस 3 इक्वल टू 90. तो ये गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0. 90 को 2 से इंटू किया 180, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर 180 आना चाहिए माइनस का, और प्लस माइनस करने पर 3 आना चाहिए. तो इसके फैक्टर हो गए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x 90 को 2 0. अरेंजिंग पेयर टेकिंग कॉमन, फर्स्ट के अंदर x कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन. सेकेंड के अंदर देखिए 6 कॉमन 2x प्लस 15 इक्वल टू 0. 2x प्लस 15 कॉमन x माइनस 6 इक्वल टू 0. इफ दिस इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 15 बाई 2. नंबर ऑफ आर्टिकल कभी नेगेटिव नहीं होते हैं तो दिस पार्ट इज रिजेक्ट. इट मीन्स दिस इक्वल टू 0. तो आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 6. तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया 6. ये x इक्वल टू 6 की वैल्यू 1 में पुट करें फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू 2x प्लस 3 15. वन आर्टिकल की प्राइस आ गई 15. ये आपके एनसीईआरटी की 4.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट है. आप इसे सोल्व कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड वीडियो के अंदर. थैंक यू.